so hi guys welcome to Asian mathematics one solution of High mathematics today in this video we are going to solve question number 10 of exercise 13.1 so here we go this question is based on the finding of complementary function and this question is related to the roots which are imaginary and equal here the question did d4y by dx to the power 4 plus 8d2y by dx squared plus 16y equal to 0 सबसे पहले हम राइटिंग डी ऑपरेटर में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा डी फोर प्लस एट डी स्क्टी इन इक्वल टू जीरो डी स्क्स फोर के होल स्क्वायर के फॉर्मुला में आ गया तो इसको लिख दिया मैंने डी स्क्स फोर का होल स्क्वायर इंटू वाईक् टू जीरो अब क्या ऑग्जिलरी करेंगे डीक्वल टू एम और इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो यहां तक क्लियर होगा आगे देखते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर नाइन की तरह ये क्वेश्चन में सिमिलर है तो इसमें भी उस तरीके से रूट निकाल दे देखो एम स्क्वायर प्लस फोर इंटू एम स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो यहाँ तक क्लियर है फिर देखो एम स्क्वायर प्लस फोर और एम स्क्वायर प्लस फोर दोनों को अलग अलग इक्वेट करते हैं तो क्या निकलता है एम एम इक्वल टू अंडर रूट माइनस फोर प्लस माइनस अंडर रूट माइनस फोर तो माइनस फोर का मतलब क्या टू आई क्योंकि अंडर रूट फोर हो गया टू अंडर रूट माइनस वन हो गया आई जो क्या एक इमेजनरी क्वान्टिटी है तो सिमिलरली यहाँ भी एम क्या हो जाएगा अंडर रूट आई प्लस माइनस अंडर रूट टू आई क्लियर हो गया यहाँ तक तो देखो इन दोनों में मिलाएंगे तो यहाँ अगर एम वन एम टू लेते हैं पहले वाला केस में अगर देखो यहाँ पर पहले केस में अगर यहाँ एम वन एम टू लेते हैं और दूसरे केस में एम थ्री एम फोर लेते हैं एम थ्री एम फोर लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा एम वन और एम थ्री सिम्बल सिमिलर हो जाएगा और एम टू और एम फोर क्या हो जाएगा मेरा सिमिलर हो जाएगा तो यहाँ पर जैसे हो गया है एम वन इक्वल टू एम थ्री इक्वल टू प्लस टू आई और एम टू इक्वल टू एम फोर इक्वल टू माइनस टू आई यहाँ पर देखो तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाता है अल्फा इक्वल टू हो जाता है जीरो और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर टू ये याद रखना है ठीक है तो इसी तरीका से हमें क्या करना है अब इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में निकालना है तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें मैजनरी क्वान्टिटी का जो फार्मूला है उसको यूज करना पड़ेगा और देखो यहाँ पर रूट्स क्या है इक्वल है तो इसके लिए अलग फार्मूला जो क्वेश्चन नंबर नाइन हम लोग यूज किए थे वही अगर ये फार्मूला तुम्हें नहीं पता है कंसेप्ट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसे जाकर जरूर देखना उसमें क्लियरली बताया हुआ है इसके बारे में तो यहाँ पर देखो कंप्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू टू द पावर जीरो एक्स जीरो मतलब क्या अल्फा यहाँ पर जीरो हो गया है सी वन प्लस ई टू एक्स कॉस टू एक्स इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर दो रूट इक्वल है इसलिए हमने क्या सी वन प्लस ई टू एक्स लिया जनरली जब हम सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रियल नंबर के लिए और इक्वल रूट आता है तो हम क्या करते हैं सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू टू द पावर एम वन एक्स क्योंकि एम वन एम टू यहाँ इक्वल होता है लेकिन यहाँ दो इमेजिनरी मैं रूट्स इक्वल हैं इसीलिए हम क्या कॉस वाले टर्म्स में क्या करेंगे सी वन प्लस सी टू एक्स कर देंगे कॉस टू एक्स और सी थ्री प्लस सी फोर यहाँ और दो टर्म्स इक्वल हैं क्या कर देंगे सी थ्री प्लस सी फोर एक्स साइन टू एक्स तक क्लियर होगा उम्मीद है कि समझ में आया होगा अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर